पूरा डिस्प्ले देगा ये देखें, आगे पीछे का भी बता रहा है, पीछे प्राडो खड़ी हुई है, एक मूव नहीं कर रहा। उसके अलावा आगे की कर लें, आगे निशान खड़ी है, एक टायर की साइज़ की साइड पे बताएगा कि देखें स्टेरिंग थोड़ा सा मुड़ा है ये। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मोटर रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के मशहूर MG HS। HS में फुल ऑप्शन है, 3 इसमें टोटल है पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं, MG HS, ZS पेट्रोल और ZS इलेक्ट्रिक। तो ये गाड़ी पेट्रोल वाली HS है, एक ही वेरियंट है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता, हाई ऑक्टेन पेट्रोल इसमें डलता है। फीचर इसके चेक करते हैं, पाकिस्तान की ये वाहिद गाड़ी है अब तक की ऑटो इंडस्ट्री की तो जिसमें लोगों ने ज़्यादातर गाड़ियाँ बुक करवाई हैं बेचने के लिए, ना कि यूज़ करने के लिए। तो आए हमारे साथ शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो आज जिस गाड़ी का आपके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं ये है MG HS। पाकिस्तान में मोस्ट सेलिंग कार है और स्पोर्टिज के बाद इसकी ज़्यादा सेल हुई है। ये वो वाहिद गाड़ी है पाकिस्तान की जो लोगों ने इस्तेमाल करने के लिए कम और सेल करने के लिए ज़्यादा ली है। ये एक मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ कि तकरीबन 7-8 हज़ार यूनिट तो लोगों ने सेल करने के लिए लिए हैं। हो सकता है थोड़ी काउंटिंग ऊपर नीचे भी हो रही हो, फ्लक्चुएट हो सकती है। गाड़ी की तारीफ ये है कि गाड़ी में बेतहाशा फीचर्स हैं, और कुछ ये बात है कि इसकी लुक और इसके ज़रा ब्रिटिश ब्रांड होने की वजह से ये गाड़ी ज़्यादा सेल में आई। साइज़ भी नॉर्मल है स्पोर्टिज और टूसोन से ज़रा छोटा है, थोड़ा सा ब्रिटिश कंपनी MG है, लेकिन बाद में इसे चाइना की किसी एक बड़ी कंपनी साइक ने ऑन किया था, तो कुछ लोग इसे चाइना भी कहते हैं, लेकिन देखें गाड़ी तो गाड़ी है। अब आप इस गाड़ी के सारे फीचर्स इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की सेलिंग की। 2021 मॉडल MG HS, मई की इसकी डिलीवरी है, और जो इसकी डिमांडिंग प्राइस है वो 63.5 लाख रुपये है। प्राइस इस गाड़ी की काफ़ी फेयर है, क्योंकि मार्केट में ऑन मिलाकर यही रेट चल रहा है, 63.5-63, इसी के अराउंड चल रही है गाड़ी का रेट। और अब तो मेरा ख्याल उन्होंने डिलीवरीज भी बंद कर दी हैं, तो इसका ऑन भी मेरा ख्याल ऊपर जाएगा, और सुनने में आ रहा है कि इसकी 2 लाख रुपये कीमत भी उन्होंने बढ़ा दी है इनवाइस प्राइस। तो देखें 2 लाख बढ़ा के दो वहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी कर ले, मतलब ये 65 के अराउंड चली जाएगी विद इन 2 मंथ्स। सो अब इसके फीचर्स चेक करते हैं। फ्रॉम द फ्रंट आपको ये DRL मिलते हैं प्रोजेक्शन लाइट लेवलिंग के साथ है, इंडिकेटर लाइट टेल लाइट से इंडिकेटर लाइट में, गैलेक्सी क्रोम ग्रिल, ये देखें ये बड़ी फ्रंट से ना जैसे कहते हैं ना एक बारोब लुक है। साइड प्रोफाइल सेम, नीचे आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं क्रोम की कवरिंग के साथ। ओवरऑल फ्रंट लुक आप देखें इस गाड़ी की, तो ज़रा एक बहुत ही ना चौड़ी सी जिसे लुक कहते हैं वो आती है, ये देखें 18 इंचेस के इसमें अलॉय रिम लगा हुआ है, 235/50 R13 का टायर है विद डिस्क ब्रेक। और साइड प्रोफाइल आप गाड़ी की देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रंट इसका ज़रा थोड़ा ज़्यादा आगे है बोनट एज़ कम्पेयर टू पूरी गाड़ी के, ये देखें आप इसी से खुद अंदाज़ा लगा लें। साइड पर भी आपको टेल लैंप्स मिलते हैं इंडिकेटर लाइट पर, और ये कैमरा 360° कैमरा भी इस गाड़ी में मौजूद है। सो व्यूअर्स, रियर लुक की बात कर लें तो रियर लुक आप इस गाड़ी की देख सकते हैं, बैक लाइट बहुत खूबसूरत है। अभी जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तब भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरह चलती है, बहुत खूबसूरत है। ये डिटेल रिव्यू है, पहले मैंने आपको बताया था मैंने वॉक अराउंड किया था इस गाड़ी का, ये वाला जो वीडियो है डिटेल्ड है। HS हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, शार्पन एंटीना, रेयर वाइपर, सारे जो अच्छे फीचर्स एक गाड़ी में होने चाहिए सारे इस गाड़ी में मौजूद हैं। रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स लाइट, और 2 इसमें एग्जॉस्ट पाइप मौजूद हैं। है गाड़ी ज़रा थोड़ी साइलेंट, इतनी रोअर नहीं है इसकी। सो व्यूअर्स, ये इस गाड़ी की चाबी है लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनर के साथ। पहले इसको अनलॉक करते हैं, देखते हैं फ्रंट में कौन सी DRL ऑन होती है और बैक लाइट ऑन होती है नहीं, क्योंकि ये ज़रा स्मार्ट फंक्शन है, मोस्टली गाड़ियों में नहीं होता कि अगर आप गाड़ी अनलॉक करें तो सिर्फ इंडिकेटर लाइट जल के गाड़ी ऑफ हो जाती है। ये जो हाई एंड लग्जरी गाड़ियाँ जैसे ऑडी, मर्सिडीज़ और BMW, उनमें ये फंक्शन होता है कि अगर आप अनलॉक करें तो गाड़ी, ये देखें
ये देखिए अपनी लाइट्स भी ऑन की है इस गाड़ी ने, प्रोजेक्शन लाइट्स। और अब आपको रेयर पे भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही गाड़ी को अनलॉक किया, गाड़ी की लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि रात में अगर आप इसको अनलॉक करते हैं, गाड़ी अंधेरे में खड़ी है, स्टार्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी और तकरीबन एक मिनट या 50 सेकंड्स बाद ये लाइट्स खुद ऑफ हो जाती हैं। अब इसके अगर ट्रंक रिलीज बटन है वो चेक करते हैं किस तरह का है वो। ये देखिए, देख रहे हैं आप, टिक्की पूरी खुल गई है। और इसमें आपको टेल गेट भी मिलता है, टेल गेट से मतलब पीछे आपको बटन मिलता है जिसकी मदद से आप गाड़ी का जो डिग्गी है खुद ही बंद कर सकते हैं। ये भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये पीछे आपके पास लेग्स, वो लगी स्पेस है कुछ रखने के लिए, नीचे स्पेयर टायर। ये बड़ा डिसेंट है, ये किसी गाड़ी में ना टूसोन के ऐसे, स्पोर्टिज के ऐसे नहीं। यहाँ पर आपको सेपरेटर भी मिलता है, ये देखें, ये मैंने लगा दिया। बाज़ दफ़ा होता है कि आपको सेपरेशन की ज़रूरत भी होती है, चीज़ें ज़रा डुअल उसमें आ जाती हैं, होता है ज़रा, ये पक्का सा काम है। पीछे आपको लाइट भी मिलती है। और एक और फंक्शन आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का, बहुत लग्जरी गाड़ी है ये। इसका बटन की मदद से आप इसकी डिग्गी बंद कर सकते हैं, ट्रंक रिलीज इसका बटन से भी हो जाता है। ये देखें, अलार्म बजे उसके बाद इसने बंद हो जाना। ये फंक्शन भी मैंने आपको बताया कि जितने भी क्रॉसओवर्स आ रही हैं सबके अंदर ये फंक्शन है। स्पेशली ये इम्प्रेस बाय जैपनीज हाई एंड लग्जरी कार लाइक प्राडो और लैंड क्रूजर से इम्प्रेस होके क्रॉसओवर्स में उन्होंने ये दिया था फंक्शन। सो इंटीरियर की बात करें तो ये इंटीरियर कलर मेरा अपना बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये जो रेड कलर है ये हाई एंड गाड़ियों में बहुत आता है, स्पेशली रेंज रोवर का रेड कलर बहुत मशहूर है। और क्वालिटी बस सही है, उस हिसाब की नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों से जो क्रॉसओवर चली है उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी इसी की है। कुछ लोग कहते हैं कि जी प्लास्टिक बड़ी खगड़ सी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी की आप क्वालिटी चेक कर लें। सो साइड की बात करें तो ये देखें, ये आपको सिलाई हुई भी मिलती है, ये भी एक ज़रा थोड़ा सा लग्जरी फीचर ऐड करते हैं। पावर विंडोज चारों ऑटोमेटिक हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, सेंट्रल लॉकिंग और मिरर लॉक के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। और ये देखें, लॉक अनलॉक बिल्कुल ऑडी A5 के, मतलब ऑडी की जितनी भी सेडान की लाइनअप है उनकी तरह का लॉक अनलॉक मिलता है, बाकी इस सेक्शन में किसी गाड़ी में इस तरह नहीं मिलता। अब जो मेरा ख्याल है प्रोटोन है उसका नहीं पता, किया स्पोर्टेज में तो नहीं मिलता। इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट सिस्टम मिलता है, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। नो प्रॉब्लम, लो फ्यूल, कोई मसला नहीं। स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए कॉल, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें, वॉइस एक्टिवेशन कमांड मोड, इसमें सुपर स्पोर्ट मोड भी मौजूद है। ये देखिए, मीटर की बात करें तो मीटर में आपको सारी सेटिंग वगैरह मिलती है मीटर में। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर रहा हूँ, ये देखें, हवा का प्रेशर बता रहा है कितनी है, बैटरी एवरेज कितनी दे रही है, 12 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, भी अच्छा है। बाकी करंट जर्नी, इसका आरपीएम की एक अच्छी बात ये है, ये दूसरी साइड ऑपोजिट साइड पर रोटेट करता है, सादा की तरह नहीं करता, इस तरह स्पीड कर रही है ना, 240 टॉप स्पीड है, 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है इस गाड़ी में। सो ये जी इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले, बहुत ही डिसेंट है, एसी के कंट्रोल्स सब कुछ आपको इधर मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। उसके अलावा ग्लासेस होल्डर, यूएसबी और मोबाइल के लिए, और ये बंद भी हो जाता है, ये बड़ा डिसेंट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी ट्रांसमिशन आती है इसमें, ईपीबी, डाउनहिल असिस्ट इस गाड़ी में मौजूद है। मोड्स आप ड्राइविंग के देख लें, ये देखें मैंने मोड का बटन क्लिक किया, स्पोर्ट मोड इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, कस्टम जो आप जिस हिसाब से चलाना चाहें, और ये इको मोड आ गया। 360 कैमरा भी यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और वहाँ से भी, ये देखें ये गाड़ी शोरूम पे खड़ी है इस हिसाब से, अभी पूरा डिस्प्ले देगा ये देखें, आगे पीछे का भी बता रहा है, पीछे प्राडो खड़ी हुई है एक,
मूव नहीं कर रहा। उसके अलावा आगे की कर लें, आगे निशान खड़ी है एक। टायर की साइज़ की साइड पे बताया गया कि देखें स्टेरिंग थोड़ा सा मुड़ा है ये, और गाड़ी ट्रैक्शन में खड़ी है। और 2D डायमेंशन में आपको बताता है, ये भी फ़िलहाल मूव नहीं कर रहा, थोड़ा कर रहा तो थोड़ा लैग कर रहा है। टू डी में दिखाते हैं आपको, ये कैमरा चेक करें, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है गाड़ी के हिसाब से। बताना ये चाह रहा है कि देखें आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो आप किस असिस्ट में, बाकी नेविगेशन वगैरह सारे फीचर हैं इस गाड़ी में। एम्बियंस लाइटिंग भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एम्बियंस लाइटिंग का फंक्शन देखें आप, दो कलर हैं लाइट्स में, ये देखें एम्बियंस लाइटिंग रेड भी है। यहाँ पर दो ग्लास होल्डर्स ये भी मिलते हैं आपको, और कुछ जगह सीट्स कवर हैं। गाड़ी नई है जैसा कि आपको पता है, एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 6 हैं, और इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में 6 एयरबैग नहीं आते। ऊपर की बात कर लें तो वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिलता है, मैंने बंद कर दिया तो लाइट ऑफ हो गई है। यहाँ पर आपको ग्लासेस होल्डर, ऊपर की आपको रीडिंग लाइट्स, ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह। दरवाज़ा खुला हुआ है, उस टाइम भी लाइट ऑन हो जाती है। पैनोरामिक सनरूफ भी मौजूद है, ये मैं हटा के दिखा नहीं पा रहा, गाड़ी लो फ्यूल में थोड़ा सा। ऊपर रियर व्यू मिरर, वैनिटी मिरर विद लाइट्स, बहुत आला गाड़ी है। और इसका जो लुक है ना, वो आपको स्पोर्टी लुक देती है। देखें सुपर स्पोर्ट्स मोड है इस गाड़ी में मौजूद, ये अगर मैंने एक्टिवेट किया हुआ तो ये गाड़ी एक अपनी अच्छी इनिशियल पिक बहुत अच्छी देती है। सो रियर की बात करें, रियर पर भी एम्बियंस लाइटिंग और MG के जो डोर पैनल्स पर आपको ये मिलती हैं, डोर सील्स लाइट भी इसमें मौजूद है। पीछे चेक करते हैं लेग रूम कितना है मेरे पास, लेग रूम तो अच्छे है इस MG में। ये बेड फ्लैट है, AC वेंट्स, और नीचे आपको ये दिखाता हूँ लाइट जला के, नीचे आपको दो चार्जिंग डॉक मिलते हैं USB वाले। स्पीकर्स ये चेक करें माशाल्लाह, ये फीचर चेक करें, कुछ रखना मोबाइल वगैरह, ग्लासेस होल्डर। इन्होंने जितना लग्जरी गाड़ी को बना सकते हैं ना बना दिया है, इसमें अब ज़रूरत नहीं है और लग्जरी पना याद करने की। लाइट्स, लाइट्स प्रेस कर रहे हो, प्रेस करना बड़ा डिसेंट है यार। ये देखिए पैनोरामिक रूफ, इसकी छोटी है स्पोर्टी, इसकी पैनोरामिक रूफ बड़ी है। सो व्यूअर्स, फाइनल वर्डिक्ट इस गाड़ी के बारे में ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरी है, और बहुत ज़्यादा लग्जरी है। और इस कैटेगरी में प्रोटोन इससे ज़रा थोड़ी लग्जरी वाइज थोड़ी ज़्यादा है, उसमें वॉइस एक्टिवेशन वगैरह भी है, बाकी एयर बैग सेफ्टी वाइज ये गाड़ी सब में कम्पीट करती है। और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो देख लें, लोग 10-10 लाख भी लोगों ने इस गाड़ी पर ऑन भरा है। और जिस गाड़ी का मैं रिव्यू किया, खुशकिस्मती से इस गाड़ी में रेड इंडिकेटर आता है, जो कि इस गाड़ी की हाई डिमांड है। वाइट विद रेड बहुत महंगा है, ब्लैक विद रेड एब्सोल्युटली बहुत महंगा है। फीचर इसमें सारे वो हैं जो आपको लग्जरी गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सीट्स, 360 कैमरा, पीछे आपको बूट का स्मार्ट एंट्री सिस्टम, पायलट ऑटो पायलट भी मिलता है, ऑटो पायलट ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम इस गाड़ी के अंदर है। और देख लें इंजन छोटा सा टर्बो इंजन है, अब 1.5 लीटर टर्बो इस गाड़ी के अंदर इंजन आता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट MG HS। इस गाड़ी की सबसे पहली बात करेंगे फ्यूल एवरेज, 12 की डेली है अभी फिलहाल जो मैंने मीटर पे चेक किया है, कुछ लोग 14 भी ले रहे हैं, कुछ 19 तक ले रहे हैं, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये गाड़ी 12 से 15 किलोमीटर की एवरेज देती है। रीसेल आप देख लें, आजकल तो आप MG वैसे मार्केट में बेचने जाए तो फ़ौरन आपको नेट कैश मिल जाता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट MG HS। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, इफ यू लाइक आवर क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल मोटर रिव्यूज, एंड प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। आप फेसबुक इंस्टाग्राम कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है मोटर रिव्यूज। आइंदा मजीद आपके लिए अच्छी गाड़ियों के 22 के रिव्यूज में लेके आते रहेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।